फ्रेंड्स, कुछ इंडोर प्लांट्स हैं जिनके नाम मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही आसानी से ये इंडोर में चल जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये है एग्लोनीमा, बहुत ही खूबसूरत इसकी पत्तियां होती हैं और काफ़ी सुंदर लगता है इसका पौधा। इंडोर में आसानी से चल जाता है पौधा। और इसी के बगल में है सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये भी कटिंग से आसानी से लग जाता है और इंडोर प्लांट है, इसे भी आप इंडोर में रख सकते हैं आसानी से, ये अच्छा ग्रो करता है। और इसी के बगल में मैंने लगा रखा है सिंगोनियम, पिंक सिंगोनियम, इसकी पत्तियाँ पिंक कलर की होती हैं, बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट है। कटिंग से ये भी आसानी से तैयार हो जाता है और इंडोर में रख सकते हैं। यह है टर्टल वाइन फ्रेंड्स, टर्टल वाइन की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है तो ठंडियों में इसकी ग्रोथ वैसे रुक जाती है। ये है मनी प्लांट, मनी प्लांट भी आप इंडोर रख सकते हैं, इनडायरेक्ट सनलाइट में आसानी से चल जाता है। ये पर्पल हार्ट है फ्रेंड्स, तो इसको आप हैंगिंग प्लांट्स के रूप में रख सकते हैं। और ये है एरो हेड वाला सिंगोनियम, तो ये भी छोटे से मग में मैंने पेंट करके लगा रखा है। और यहीं पे मैंने ये लगा रखा है एलोवेरा, एलोवेरा भी बहुत ही आसानी से आप इंडोर रख सकते हैं और बहुत खूबसूरत लगता है। ये औषधीय प्लांट है फ्रेंड्स, तो इसे भी आप इंडोर आउटडोर दोनों तरह से रख सकते हैं। ये देखिए, इसमें काफ़ी सारा जेल रहता है अंदर और इसका यूज़ आप कई तरह से कर सकते हैं। तो ये मेरे पौधे फ्रेंड्स आपको कैसे लगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और मैंने इन्हें सब इंडोर में रखे हैं फ्रेंड्स और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इन्हें धूप यहाँ पे ठंडियों में बिल्कुल नहीं मिल पाती है और गर्मियों में थोड़ी बहुत आ जाती है, तो ठंडियों के 4 महीने तो बिल्कुल भी इनको धूप नहीं मिलती है फ्रेंड्स। जो मैंने एलोवेरा तोड़ा था उसे पौधों में डाल दिया है क्योंकि वो एक रूटिंग हारमोन्स का भी काम करता है। ये है सुख शांति का पौधा फ्रेंड्स, तो इसे भी मैंने यहाँ पर कटिंग से लगाया है और इसका मदर प्लांट भी है जो कि काफ़ी बड़ा हो गया फ्रेंड्स। तो इस तरह से मेरे ये सारे इंडोर प्लांट्स हैं फ्रेंड्स।